नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है कौन सी अथॉरिटी इसे जारी करती है और कौन कौन से ऐसे फंड्स है, हैं अकाउंट्स हैं जो इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के तहत अटैच किए जा सकते हैं और किन किन केसेस में किन किन अकाउंट्स में इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर लागू नहीं होता है और भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों इनकम टैक्स ऑफिसर इस ऑर्डर को जारी करते हैं इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर को और ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 226 और सब सेक्शन सबसेक्शन थ्री के अंडर जारी किया जाता है और ये सेक्शन जो है वो ऑथराइज कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर को टू रिक्वायर बाई नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन फ्रॉम होम मनी इज़ ड्यू और मे बिकम ड्यू टू द एस एस सी और एनी पर्सन होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ एस एस सी टू पे द इनकम टैक्स ऑफिसर एन इक्वल एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स तो बेसिकली क्या है एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो सेक्शन टू ट्वेंटी सिक्स के सब सेक्शन थ्री के अंडर एक ऑर्डर जारी करते हैं जिसे हम इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर करते हैं ऑर्डर कहते हैं और इस ऑर्डर के तहत जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो नोटिस भेजने के बाद जो है किसी पर्सन को एन इन राइटिंग एनी पर्सन जैसे कि जो ड्यू है इनकम टैक्स का उसको होल्ड करने के लिए कह सकते हैं या फिर उस अकाउंट को उस अमाउंट को पे करने के लिए कह सकते हैं जितना कि टैक्स का एरियर बन रहा है अब इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर जो है इट इज नॉट ओनली डेप्ट ड्यू एंड पेबल जो कि इसमें अटैच किए जा सकते हैं एज इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर गार्निशी ऑर्डर के केस में हमने देखा था कि जितना भी डेप्ट ड्यू हैं या पेबल हैं उतने ही अटैच किए जा सकते हैं बट ऑल्सो एनी मनी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एस एस सी इज़ अटैच्ड बाई एन इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर तो जो भी अमाउंट जो है एस एस सी के द्वारा बैंक में रखा हुआ है वो सभी जो है अटैच किए जा सकते हैं इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा और ये कौन कौन से अकाउंट अटैच कर सकता है ये सेविंग फंड में करेंट अकाउंट में जो भी फंड्स हैं वो अटैच किए जा सकते हैं टर्म डिपॉजिट भी अटैच किए जा सकते हैं हाउएवर टर्म डिपॉजिट जैसे कि एफ डी या आर डीज उनके केस में ये अटैच तो किए जा सकते हैं लेकिन जो अमाउंट पेएबल होगा वो मेच्योरिटी पे ही होगा प्रोसीड्स ऑफ कलेक्शन आइटम नॉट क्रेडिटेड टू अकाउंट तो जो कलेक्शन में कोई अगर इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है कोई चेक वगैरह है जिसका पेमेंट अभी प्रोसीड्स अभी क्रेडिट नहीं हुई हैं जो बाद में क्रेडिट होंगी वो भी इसमें अटैच किए जा सकते हैं जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होता है हालांकि अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें जो ऑर्डर है इनकम टैक्स अटैचमेंट का वो सिंगल नेम पे है और बैंक में उस पर्सन का जॉइंट अकाउंट है किसी दूसरे पर्सन के साथ में तब भी वो जॉइंट अकाउंट भी अटैच किया जा सकता है और ऐसे केस में क्या होगा इसको जो प्रो रेटा बेसिस पे जो बैलेंस होगा उसको अटैच किया जाएगा इसमें यह मान लिया जाएगा कि उस अकाउंट में जो पैसा है वो दोनों ही अकाउंट होल्डर्स का एक बराबर है और यानी कि अगर उसमें एक लाख रुपए हैं तो पचास हजार तक के जो जो है अमाउंट है वो अटैच किया जा सकता है और ये माना जाएगा कि पचास हज़ार वो उस पर्सन के हैं और पचास हजार दूसरे पर्सन के हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़ तो या फिर इसके कंट्रेरी में अगर कोई प्रूव नहीं किया जा सकता है तो नॉर्मल केसेस में ये माना जाएगा कि अगर दो पर्सन है जिनका ज्वाइंट अकाउंट है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के मालिक वो है और ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें अटैच किया जा सकता है जबकि गार्निशी ऑर्डर के, के केस में हमने देखा था कि ज्वाइंट अकाउंट अटैच नहीं किया सकता अगर गार्निशी ऑर्डर सिंगल नेम पे जारी किया गया हो अब डिसीज और इंसॉलमेंट के, के केस में इनकम टैक्स और अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो डिसीज और इंसॉलमेंट पर्सन के जो फंड्स हैं वो भी अटैच कर सकता है आई टी अटैचमेंट ऑर्डर अटैचेज द हेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ अ डिसीज और इंसॉलमेंट डिपॉजिटर जबकि गार्निशी ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं था डिसीज और इंसॉलमेंट पर्सन के जो फंड्स थे वो गार्निशी ऑर्डर में अटैच नहीं होते थे अगर कोई ऑर्डर जो इंडिविजुअल नेम पे है तो उस केस में अगर कोई वो पर्सन है जो कि पार्टनरशिप फर्म में किसी में पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म का अगर अकाउंट है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता है कोई ट्रस्ट के नाम पे अकाउंट है जिसमें वो पर्सन ट्रस्टी है तो ट्रस्ट को भी के भी अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता है द इफ़ द ऑर्डर इज़ इन इंडिविजुअल नेम इट डज नॉट अटैच अकाउंट इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर ही इज़ अ पार्टनर और इन द नेम ऑफ ट्रस्ट वेयर ही इज़ अ ट्रस्टी तो ये दोनों एक्सेप्शन है पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर इंडिविजुअल नाम पे ऑर्डर है और वो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट अटैच नहीं होगा ऐसे ही ट्रस्ट का अकाउंट भी अटैच नहीं होगा द बैंक इज एंटाइटल्ड टू फर्स्ट एक्सरसाइज इट्स राइट टू सेट ऑफ बिफोर एक्टिंग ऑन द ऑर्डर अब मान लीजिए कोई ऑर्डर इनकम टैक्स अटैचमेंट का आया है किसी पर्सन के अकाउंट में लेकिन ऑलरेडी उस पर्सन ने बैंक से कोई लोन ले रखा है कोई अमाउंट ड्यू है बैंक का उसके ऊपर तो बैंक के पास राइट right है कि वो पहले अपना राइट टू सेट ऑफ जो है वो लागू करे यानी कि उसके जो फंड्स हैं उसके सेविंग अकाउंट में उसके जो क्रेडिट्स हैं उनसे अपना जो ड्यू है वो सेटल करे उसके बाद ही वो जो अगर अमाउंट बचता है तो उनको वो इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के तहत अटैच कर सकता है एज पर द एक्ट द ऑर्डर अटैच द मनी held और दैट मे बी सब्सिक्वेंटली held अकॉर्डिंग according, Accordingly, if an order is received at 10 a.m. and the amount is deposited at 1 p.m., this amount should also be attached by the order. और इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अभी जो अमाउंट है उस अकाउंट में जब जिस समय ऑर्डर प्राप्त हुआ है बैंक में पहुँचा है ऑर्डर रिसीव किया गया है मान लीजिए अगर दस बजे ऑर्डर कोई रिसीव हुआ है सुबह और उस समय जो उस पर्सन के अकाउंट में जो अमाउंट है उतना तो अटैच होगा ही उसके बाद में सब्सिक्वेंटली अगर मान लीजिए दिन में फिर दो तीन घंटे के बाद एक बजे अगर कोई और पैसा भी अगर उस फंड कोई फंड भी और भी उसमें अगर डिपॉजिट होता है उस अकाउंट में तो वो फ़ंड भी इसमें अटैच किया जा सकता है यानी कि फ्यूचर प्रोसीड्स भी इसमें अटैच हो जा रही हैं ऑर्डर एक बार रिसीव हो गया उसके बाद में अगर अमाउंट कोई और डिपॉजिट हुआ वो भी इसमें अटैच किया जा सकता है वेयर अ बैंक फेल्स उैच द अमाउंट इट वुड बी डीम्ड टू बी एन एस एस सी इन डिफॉल्ट जिन केसेस में अगर सब कुछ ठीक है इनकम टैक्स ऑर्डर रिसीव हो गया है उसके बाद भी अगर बैंक या बैंकर जो हैं वो डिफॉल्ट करते हैं और उसमें उस अकाउंट उस को अटैच नहीं करते हैं तो उस केस में ये माना जाएगा कि वो एक एस इन डिफॉल्ट की तरह बैंक को ट्रीट किया जाएगा यानी कि उन्होंने उसमें डिफॉल्ट किया गया कर किया है और उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है तो इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर एक बार जब रिसीव होता है तो उस केस में दो प्रोविज़न है जो कि ऑन द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर द कस्टमर मस्ट बी गिवन नोटिस तो जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है बैंक के द्वारा उनको कस्टमर को नोटिस भेज के इसकी जानकारी देनी है साथ ही द अकाउंट होल्डर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पेमेंट टू आई टी यू इनकम टैक्स ऑफिसर तो और अकाउंट होल्डर को बताना है कि जो पेमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को हुआ है किया गया है और उस ऑर्डर के बारे में जानकारी देनी है तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में हमने जाना और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू Thank <laughs> you.